4 दिन आगे पहुंच जाते हैं और ये वो समय नहीं था जब उन दोनों के बीच में उस रेसिपी को लेकर लड़ाई हुई थी। ये उस रेसिपी के खोने के 4 दिन बाद का टाइम था जहां उन्हें पता चलता है कि लोगों को बर्गर ना मिलने के कारण बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और चारों तरफ युद्ध जैसे हालात बन गए थे। लोग एक दूसरे को खत्म कर रहे थे और अकाल जैसा पड़ा हुआ था और शहर में ज्यादातर लोग मारे जा चुके थे। स्पॉन्जबॉब और प्लैंकटन दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं ये सब देखकर और वापस उसी टाइम मशीन में बैठकर एक बार फिर से उसी टाइम पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भी वो कामयाब नहीं रहते और वो अपने प्रेजेंट टाइम से 1000 साल पहले पहुंच जाते हैं, जहां वो लोग एक स्पेसशिप में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें एक डॉल्फिन नजर आती है जो उसी स्पेसशिप की मदद से वहां मौजूद प्लेनेट की रखवाली कर रही थी। तभी वो स्पॉन्जबॉब को वहां पर देखकर उससे कहती है कि वो थोड़ी देर यहीं पर रुके ताकि वो बाथरूम होकर आ जाए। स्पॉन्जबॉब उसकी बातें मानकर वहीं पर रुक जाता है, लेकिन वो देखता है कि दो प्लेनेट एक दूसरे से टकराकर खत्म हो चुके हैं और जब